आगे सिर्फ अंधेरा है। प्यारे देशवासियों, आप टीवी चैनलों पर बहुत कुछ देखते और सुनते हैं। चैनलों पर आपको बताया जाता है कि देश में हर तरफ खुशहाली है, हरियाली है, आपको इंडिया इज शाइनिंग और सब चंगा सी का आभास कराया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जो कुछ आपको बताया जाता है वो बताया नहीं जाता है, भरमाया जाता है। क्या कभी आपको बताया गया कि मोदी सरकार ने विदेशी बैंकों और आर्थिक संस्थानों से 155 लाख करोड़ का कर्ज ले रखा है और ये कर्ज हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। ये कर्ज प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। क्या कभी आपको बताया गया कि मोदी सरकार में 22 करोड़ लोग बेरोजगार होकर घर बैठ चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत में 70% लोगों को पोषक आहार नहीं मिल पाता है। क्या आप जानते हैं कि महंगाई के कारण 20 करोड़ लोग हर रोज एक ही वक्त का खाना खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के कारण देश के 26 सरकारी बैंक और 3,400 शाखाएं बंद हो चुकी हैं। क्या आपको मालूम है कि भारतीय करेंसी यानी रुपया विश्व बाजार में अपनी अहमियत खो चुका है। भारतीय रुपया अफगानी करेंसी से भी नीचे गिर चुका है। क्या कभी आपको बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है। क्या कभी आपको बताया गया कि हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 9 सालों में चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है। क्या आप जानते हैं कि पिछले 3 सालों में 13 लाख महिलाएं लापता हो चुकी हैं। प्यारे देशवासियों, टीवी चैनलों पर आप जो कुछ देखते हैं उसका ताल्लुक जमीनी हकीकत से नहीं होता है। अगर आप देश की असल तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, नहीं तो आगे सिर्फ अंधेरा है।